खबर आपको बता दें, कुरुक्षेत्र आरडीएक्स मामले में एसटीएफ की टीम ने एक और गिरफ्तारी की है। आरडीएक्स मामले में पकड़े गए शमशेरा सिंह के साथी को एसटीएफ की टीम ने पकड़ा है। पंजाब के तरन तारण से एसटीएफ ने शमशेरा सिंह शेरा के दोस्त रॉबिन प्रीत को गिरफ्तार किया है। एक और गिरफ्तारी आरडीएक्स मामले में हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्य आरोपी शमशेर का साथी है रॉबिन, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कुरुक्षेत्र आरडीएक्स मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, एसटीएफ की गिरफ्त में एक और आरोपी आ चुका है। रॉबिन प्रीत को तरन तारण से एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी का दोस्त बताया जा रहा है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। आरडीएक्स और डेटोनेटर बरामद हुआ था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। एक गिरफ्तारी पहले हुई थी, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उसके सहयोगी को भी गिरफ्तार किया। इस बीच बड़ी खबर आ रही है रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई, जहां उत्तर कोरिया के प्रशासक किम जोंग उन ने पुतिन को मदद की पेशकश की है। सूत्रों के मुताबिक किम जोंग उन ने पुतिन को युद्ध में 1,00,000 सैनिक देने की पेशकश की है। रूस ने 1,00,000 सैनिकों के बदले उत्तर कोरिया को क्रूड ऑयल और गेहूं देने को कहा है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध 160 दिन से ज्यादा वक्त से चल रहा है और युद्ध रुकने की जगह हर दिन बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस ने बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को खोया है और इस बीच किम की तरफ से 1,00,000 सैनिकों को देने की पेशकश की गई है पुतिन को। अमेरिका ने ताइवान के पास मिलिट्री अभ्यास कर रहे चीन को जवाब देने के लिए समंदर में अपने सातवें बेड़े को डटे रहने के आदेश भी दे दिए हैं। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैंसी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद चीन और अमेरिका आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में लग रहे हैं। और चीन ने ताइवान को 6 तरफ से घेर कर मिलिट्री ड्रिल करनी शुरू कर दी। वो लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों से अभ्यास कर रहा है। चीन के हेलीकॉप्टर ताइवान की सीमा के आसपास चक्कर काट रहे हैं। यही नहीं, चीन ने अपनी इस मिलिट्री ड्रिल का वीडियो भी जारी किया, जिसके बाद खबर आई कि अमेरिका चीन की हरकतों पर चुप बैठने के मूड में नहीं है। वो ताइवान से किया वादा पूरा करने की तैयारी कर चुका है। चीन और ताइवान की जंग हुई तो ब्लू बैटलफील्ड यानी समंदर में ही होगी। यही वजह रही कि अमेरिका ने साउथ चाइना सी में तैनात अपने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रेगन को डटे रहने का निर्देश दिया। जिसका मतलब ये कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका बिना देर किए पलटवार करेगा। वैसे नैंसी पेलोसी के ताइवान दौरे से पहले ही अमेरिका ने यूएसएस रोनाल्ड रेगन को साउथ चाइना सी में तैनात कर दिया था, क्योंकि खबर थी कि चीन नैंसी पेलोसी के विमान पर हमला कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, पेलोसी के जाते ही चीन ने ताइवान के चारों ओर नाकेबंदी शुरू कर दी। उसकी मिसाइलें ताइवान के ऊपर से जाने लगी और लड़ाकू विमान हवाई सीमा में घुसने लगे, जिसके बाद अमेरिका ने फैसला किया कि वो यूएसएस रोनाल्ड रेगन को साउथ चाइना सी में तैनात रखेगा। उसने अपने महाशक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर के नेतृत्व में नौसेना के सातवें बेड़े को ताइवान के पास डटे रहने के आदेश दिए। जिसका मतलब ये हुआ कि चीन जैसे ही ताइवान पर हमला करेगा, अमेरिका की नौसेना का सातवां बेड़ा समंदर में चीन पर वार करेगा। अमेरिका ये खुलकर बोल चुका है कि वो समंदर में शांति और ताइवान की सुरक्षा के मुद्दे से कोई समझौता नहीं करेगा। और अपनी उसी बात को सही साबित करते हुए अमेरिका ने ताइवान के पास अपना वो एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किया है जो अपने दम पर कई देश बर्बाद कर सकता है। चीन के साथ टेंशन बढ़ने से पहले यूएसएस रोनाल्ड रेगन सिंगापुर के बंदरगाह के पास खड़ा था, लेकिन बाद में उसे साउथ चाइना सी यानी ताइवान के पास रवाना कर दिया गया। परमाणु शक्ति से चलने वाले इस एयरक्राफ्ट कैरियर को अमेरिकी नौसेना में साल 2003 में शामिल किया गया था और इस पर 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर के अलावा 3,000 के आसपास नौसैनिक तैनात रहते हैं। अमेरिका इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर वहां के सबसे आधुनिक कहे जाने वाले F-35B फाइटर जेट भी तैनात है। यही नहीं, खबर है कि ताइवान के आसपास यूएसएस रोनाल्ड रेगन के अलावा कई और बड़े और खतरनाक युद्धपोत चक्कर लगा रहे हैं, जिनमें यूएसएस ट्रिपोली और यूएसएस एसेक्स जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल हैं, जो समंदर में गश्त लगा रहे हैं और चीन को चेतावनी दे रहे हैं कि ताइवान पर हमला करते ही वो जवाबी कार्रवाई करेंगे। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री ने चीन को चेतावनी दी और ताइवान के आसपास की जा रही मिलिट्री एक्सरसाइज को खतरनाक बता दिया। Now, they've taken dangerous acts. अमेरिका के विदेश मंत्री ने चीन को चेतावनी देते हुए यह भी साफ कर दिया कि उसने खुद मुसीबत को दावत दी है। China has chosen to overreact. यानी अमेरिका चीन से कह रहा है कि अब उसके साथ जो भी होगा उसका जिम्मेदार वो खुद होगा, क्योंकि पेलोसी के ताइवान जाने पर चीन ने ही शोर मचाना शुरू किया था। बाइडेन से फोन पर बातचीत के दौरान आग से न खेलने की धमकी भी चीन ने ही दी और अब ताइवान के आसपास मिलिट्री ड्रिल करके शांत समंदर में हलचल पैदा करने वाला भी चीन ही है। चीन लगातार अपनी वन चाइना पॉलिसी का ढोल पीट रहा है।
और दुनिया को धमका रहा है कि वो ताइवान का साथ न दे। वो ताइवान को अपनी नाक का मुद्दा बना चुका है और सीधा अमेरिका से उलझ चुका है, जिसके बाद अमेरिका ने भी ठान लिया कि वो समंदर पर राज करने का सपना देख रहे चीन की चालों को फेल कर देगा। और खबर है कि अपनी इसी रणनीति के तहत उसने ऑस्ट्रेलिया में अपने 4 ताकतवर लड़ाकू विमान B-2 बॉम्बर को तैनात कर दिया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी इंडो पैसिफिक रीजन का हिस्सा है और जरूरत पड़ने पर B-2 बॉम्बर वहां से चीन की ओर उड़ान भर सकते हैं। एक सैटेलाइट इमेज में अमेरिका के B-2 बॉम्बर ऑस्ट्रेलिया के डेक पर खड़े नजर आए। B-2 बॉम्बर की खासियत है स्टेल्थ तकनीक, जो इसे दुश्मन की नजरों और रडार से बचाती है। अमेरिका के इस विमान के नाम दुनिया का सबसे लंबा हवाई हमला करने का रिकॉर्ड दर्ज है, क्योंकि 40,000 फीट की ऊंचाई पर इसकी अधिकतम रफ्तार 1,000 किलोमीटर होती है, यानी ये विमान ड्रैगन की शामत बन सकते हैं। वैसे अमेरिका का कहना है कि एक सुरक्षा के समझौते के तहत उसके लड़ाकू विमानों का ऑस्ट्रेलिया में रोटेशन हो रहा है और इसी वजह से 4 B-2 बॉम्बर वहां भेजे गए। लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिका ने ऐसा ताइवान पर नजरें गड़ाए बैठे चीन को रोकने के लिए किया है, क्योंकि चीन जिस तरह से ताइवान की नाकेबंदी कर रहा है उससे साफ है कि वो उसकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ना चाहता है। क्योंकि ताइवान के 6 तरफ मिलिट्री एक्सरसाइज करके उसने 6 तरफ से ताइवान को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से कोई भी विमान या जहाज वहां नहीं पहुंच सकता, यानी समंदर और हवाई रास्ते से होने वाला व्यापार मिलिट्री ड्रिल पूरी होने तक बंद है। इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि सैन्य अभ्यास होने के बाद चीन की नेवी और वायुसेना ताइवान की सीमा के पास से हट जाएंगी, क्योंकि ड्रैगन ये साफ कर चुका है कि वो ताइवान को किसी कीमत पर हासिल करेगा। लेकिन उसके लिए ये आसान नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि वो ताइवान की मदद के लिए आ रहा है, यानी यहाँ चीन ने ताइवान पर हमला किया और वहां अमेरिका चीन पर टूट पड़ेगा। और अब चीन ताइवान टेंशन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी संसद की स्पीकर नैंसी पेलोसी की ताइवान यात्रा से भड़के चीन ने वहां उनकी एंट्री पर बैन लगा दिया है। ये बैन केवल उन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पेलोसी के परिवार के सभी सदस्य इसमें शामिल किए गए हैं। ताइवान दौरे के बाद चीन की तरफ से अमेरिका के खिलाफ उठाया गया ये सबसे बड़ा कदम है। इसके अलावा चीन ने अमेरिका के साथ क्लाइमेट चेंज और सैन्य मामलों पर होने वाली बातचीत भी रोक दी है। पेलोसी के ताइवान जाने से चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ चुका है। इससे पहले अमेरिका ने भी चीन के ताइवान के खिलाफ की जा रही हरकतों का विरोध किया और अमेरिका में चीन के राजदूत को तलब किया। ताइवान के आसपास चीन की लाइव ड्रिल जारी है, जिससे चीन ताइवान को डराने की कोशिश में लगा हुआ है। ताइवान के मुताबिक चीन के 66 फाइटर जेट्स और 13 युद्धपोतों ने मध्य रेखा को पार किया था। अमेरिका के हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद से चीन और ताइवान में तनाव की स्थिति बरकरार है। चीन लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। चीन की सेना PLA ने ताइवान के चारों तरफ अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया है। चीन ने अपनी सैन्य तैयारी को दिखाने वाला एक प्रोपेगेंडा वीडियो भी जारी किया है। चीन की जंग की धमकी पर जोरदार पलटवार करने का दम भर रहा ताइवान लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पायलटों की कमी से जूझ रहा है। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैंसी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद से ही चीन उस पर भड़का हुआ है और उसने ताइवान की नाकेबंदी शुरू कर दी है। पेलोसी के लौटते ही चीन ने ताइवान के पास 6 इलाकों में सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। चीन ने इस मिलिट्री एक्सरसाइज को लाइव फायरिंग नाम दिया है। ये मिलिट्री ड्रिल ताइवान से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर की जा रही है, जो अगस्त तक चलेगी। चीन पहले यह ड्रिल ताइवान से करीब 100 किलोमीटर दूर करता था, लेकिन पेलोसी के दौरे के बाद वो ताइवान पर ज्यादा आक्रामक है। यही नहीं, ताइवान और अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने के लिए चीन ने 100 से ज्यादा फाइटर जेट को ताइवान की एयर स्पेस में उड़ा दिया और दावा किया जा रहा है कि चीन ताइवान को घुटनों पर लाने के लिए लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को दागने से भी नहीं हिचक रहा। मतलब ये कि नैंसी पेलोसी के ताइवान की धरती पर कदम रखने के बाद से ही ताइवान की मुसीबतें बढ़ गई हैं। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन ताइवान पर कभी भी हमला कर सकता है। हालांकि ताइवान ने भी अमेरिका की मदद से चीन को सबक सिखाने के लिए कमर कस ली है। चीन का सामना करने के लिए ताइवान अमेरिका के F-16 फाइटर जेट पर निर्भर है, लेकिन मुसीबत यह है कि उसके पास अमेरिकी फाइटर जेट को उड़ाने के लिए पायलटों की भारी कमी है, जिससे उसकी टेंशन बढ़ गई है। मतलब यह कि अगर ताइवान पर हमला होता है तो चीन से टक्कर लेने में उसे कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जबकि चीन युद्ध पर आमादा है, उसने ताइवान स्ट्रेट में जंगी जहाज और परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बियों को भी तैनात कर दिया है। लेकिन ताइवान सिर्फ पायलटों की कमी ही नहीं, बल्कि अपने स्ट्रॉबेरी सैनिकों से भी परेशान है। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ताइवान के ये सैनिक किसी भी सूरत में जंग नहीं चाहते हैं। जंग में जाने से बचने के लिए वो बर्गर खाकर अपना वजन बढ़ाने या यूं कहें कि मोटा होने में जुटे हैं, ताकि चीन से जंग छिड़ने पर उन्हें युद्ध में न भेजा जाए। इसी वजह से पश्चिमी मीडिया इन्हें ताइवान के स्ट्रॉबेरी सैनिक के नाम से बुलाता है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि स्ट्रॉबेरी सैनिक ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं लेते और अगर गलती से भी ट्रेनिंग करते हैं तो जानबूझकर घायल हो जाते हैं।
ये भी दावा है कि ताइवान के ये सैनिक चीन से बेहतर संबंध चाहते हैं ताकि जंग न हो और उनकी नौकरी सुरक्षित रहे। दावा किया गया कि ताइवान के स्ट्रॉबेरी सैनिकों ने पेलोसी के दौरे का भी विरोध किया था। इनका आरोप है कि पेलोसी का दौरा कराकर अमेरिका ने